हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो योरसेल्फ। दोस्तों, आज हम JAIIB के सेकंड एग्ज़ाम यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के एनुइटी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एनुइटी एग्ज़ाम पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ यू विश एन एनुइटी टू ग्रो टू ₹17,000 ओवर 5 years so that you can replace your car, what monthly deposit would be required? If you could invest at 12% compounded monthly, अगर क्वेश्चन में कुछ हिंट नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि ऑर्डिनरी एनुइटी होगी। आगे दिया है कि एनुइटी बढ़कर 17,000 हो जाए, यानी फ्यूचर वैल्यू दी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो 0.12 तो नहीं होगा। हमें लास्ट में दिया है कंपाउंडेड मंथली, यानी रेट को 12 से डिवाइड कर दो और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई। अगर क्वार्टरली होता तो रेट को 4 से डिवाइड करते और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। ऑर्डिनरी एनुइटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है। एनुइटी क्या है और इसके फॉर्मूले कैसे याद करें, मैं इस पर बहुत जल्द वीडियो शेयर करूंगा। चलिए अब वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करते हैं। FV यानी फ्यूचर वैल्यू जो 17,000 है, A हमें कैलकुलेट करना है यानी एनुइटी, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और n टाइम पीरियड है। a के डिनोमिनेटर यानी 0.01 की 17,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिससे 170 आएगा और 1 प्लस 0.01 की होल पावर 60 माइनस 1 को सॉल्व करने पर हमें 0.81699 मिलेगा। तो फाइनली हमारा आंसर 208.157 होगा। तो दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू पर बेस देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹32,800 इज बोरोड टू बी पेड बैक इन 2 years बाय 2 equal इंस्टॉलमेंट्स अलाउिंग 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड एनुअल पेमेंट। पहले देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। 32,800 इज बोरोड यानी पैसा ले लिया गया है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है। पैसा वापस 2 साल में कटना है यानी N2 हो गया। रेट 5% है यानी 0.05 हो गया। इसमें पेमेंट ना ही मंथली है, ना ही क्वार्टरली है या हाफ ईयरली, इसलिए लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट या नंबर ऑफ ईयर्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनुअल पेमेंट है। क्वेश्चन में टाइप ऑफ एनुइटी नहीं बताया है, यानी ऑर्डिनरी एनुइटी है। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं, जो ये है। प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है जो 32,800 है। ए हमें कैलकुलेट करना है, रेट 0.05 है, नंबर ऑफ इयर्स की जगह 2 पुट करेंगे। 32,800 की 0.05 से मल्टीप्लाई करने पर 1640 आएगा। ध्यान इस बात पर दीजिए, पावर माइनस में है तो 1.05 1 के नीचे आ जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू इस तरह 17640 आएगी, यानी दोनों साल हर साल के एंड में उसे 17640 की इंस्टॉलमेंट देनी होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं।
अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। मैं इस टफेस्ट सब्जेक्ट को इजी बनाऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पर बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। गुड बाय।